देखिए जो व्हाइट व्हाइट है ना, ये उसका फूल होता है और इसकी सब्जी बनती है। ये जो रास्ता है ये शिरडी जाने का, और ये हमारी घर जाने की रास्ता मुंबई के लिए। फ्रेंड्स ऐसा है, हम लोग यहाँ पे मस्त गन्ने का जूस मिल रहा था, वो लेने के लिए चले गए थे तो दो चार मिनट लेट हो गया। तो उसके बाद में मम्मी को दिखी, उसकी आंखों में आंसू आंसू, उसको लगा कि मम्मी पापा छोड़ के चले गए। यहाँ पे चाय अच्छी है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन इंतज़ार का फल मीठा होता है बोलते हैं ना, तो हमें चाय अच्छी मिल गई। फ्रेंड्स ब्लॉग को मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ और भी रोड के ऊपर से, क्योंकि हम लोग सुबह होटल से चेकआउट किए और उसके बाद में दर्शन के लिए निकल गए साईं बाबा का। उसके बाद में हम लोग 2:30 बजे करीब मंदिर से निकले हैं। अभी जस्ट निकल के 10-15 मिनट ही हुआ है और रास्ते में एक जगह में रुके हुए हैं। तो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मेरी धर्मपत्नी जी गए हैं कुछ लेने के लिए, और क्या लेने के लिए मैं गए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही फेमस है हमारे ओडिशा में, तो लोग बहुत ही खाते हैं उसको, पता नहीं यहाँ पे महाराष्ट्र में खाते हैं कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या लेने गए हैं मेरे धर्मपत्नी जी। यहाँ पे एक ड्रमस्टिक का पेड़ है, सहजन बोलते हैं उसको हिंदी में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे फूल हैं, तो उस फूल को लेने के लिए धर्मपत्नी जी को लालच आ गया, तो हम लोग वहाँ से सहजन का फूल ले रहे हैं। ये देखिए जो वाइट वाइट है ना, ये उसका फूल होता है और इसकी सब्जी बनती है। तो हम लोग का सहजन का जो फूल था वो ले लिए। यहाँ पे ये भाई साहब का घर है, ये जो भाई साहब आ रहे हैं तो उन्होंने हमको दिया काफ़ी सारा तोड़ के उनके पेड़ में से, और अभी फिर हम लोग जाएंगे मुंबई की तरफ। यहाँ से जो हमारा अराइवल टाइम है बता रहा है 9:30 का, 9:15। ये जो रास्ता है ये शिरडी जाने का, और ये हमारी घर जाने की रास्ता मुंबई के लिए, और ये हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। हम जस्ट 10 मिनट हुआ ही निकले हैं और रास्ते में हमको ये मिल गया। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको रास्ते में आगे का क्या क्या रहेगा, क्या करने वाले हैं वो सब बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में, चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स एक्चुअली हुआ ऐसे कि हम लोग जा रहे थे, घोटी वाले रोड पकड़े थे, लेकिन गूगल माई को वो मंजूर नहीं था, तो उसने घुमा के हम लोगों को वापस एयरपोर्ट वाले रोड में ला के डाल दिया। तो फ्रेंड्स हम जस्ट शिरडी का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। सामने कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा आपको, नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल का बिल्डिंग बन रही है और टर्मिनल बिल्डिंग भी बन रही है, अभी तो छोटा सा एयरपोर्ट है। फ्रेंड्स ऐसा है, हम लोग यहाँ पे मस्त गन्ने का जूस मिल रहा था, एकदम प्योर गन्ने का जूस। ये देखिए जूस देख सकते हैं, पूरा ग्रीन उसका कलर है, नो आइस नो वाटर ओनली गन्ना एंड लेमन। वो लेने के लिए चले गए थे तो दो चार मिनट लेट हो गया, तो उसके बाद में मम्मी को दिखी, उसकी आंखों में आंसू आंसू, उसको लगा कि मम्मी पापा छोड़ के चले गए, मम्मी को छोड़ के चले गए। मम्मी इसके लिए, मम्मी क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में बताइए, आपका क्या राय है, मम्मी पापा आपको छोड़ के चले गए, आप क्या बोलना चाहेंगे मम्मी पापा को? रते रते बोल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये रनवे है शिरडी का एयरपोर्ट का, यहाँ पे कोरिडोर एयर का एक फ्लाइट लैंड किया अभी,
तो भाइयों और बहनों, अभी हम NH-160D पे आ गए हैं। ये लोनी से नांदूर करके एक जगह है, वहाँ तक कनेक्ट करता है। मतलब 160 का ब्रांच ही है NH-160 का। और आगे चल के हम NH-160 पे चढ़ जाएंगे, इसके ऊपर वहाँ पे राइट लेंगे लेके टुवार्ड्स नासिक जाएंगे, और वहाँ से बीच में से हमको घोटी के लिए मुड़ना पड़ेगा। रोड का कंडीशन बहुत अच्छा है, टू लेन हाईवे है, लेकिन कंडीशन बहुत अच्छा है, एकदम स्मूथ है और गाड़ी आराम से चल रही है। लास्ट टाइम भी एक बार हम लोग आए थे जब अप्रैल में, इसी रोड से ही गए थे, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी अच्छा है। ट्रैफिक भी कंपैरेटिवली बहुत कम रहता है और रोड भी अच्छा मिल जाता है, तो ड्राइव करने के लिए मज़ा आता है। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है तो आप आराम से जा सकते हैं, तो इसी रोड को इसके लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। तो उस अभी जाने के टाइम पे वो हम लोग मनवाड़ रोड पे ही थे, तो उधर से जाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन फिर भी गूगल ने हमें घुमा के वापस इसी रोड पे लेके आ गया। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में, और आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको हमारा जो अपडेट्स रहेंगे, जो न्यू वीडियो आएंगे, उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो फ्रेंड्स, हम जस्ट तलेगांव एंट्री कर चुके हैं और मार्केट से होके गुजर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम इस रास्ते से गुजरे थे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक नाश्ते की दुकान है, वहाँ से वड़ा पाव वगैरह खरीदा था, लेकिन आज हमें नाश्ते वगैरह करने के लिए कहीं पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने होटल से जो नाश्ते के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह, सैंडविच वगैरह पैक करवा लिए थे। तो अगर भूख लगेगी तो हम वहीं खा लेंगे, क्योंकि हम लोगों का नाश्ता सुबह का एकदम हैवी था ना, तो नाश्ते की मेरे हिसाब से तो अभी कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है, भूख लगी नहीं किसी को। और जो हल्की हल्की भूख लगी थी गन्ने का जूस पीने के बाद में, वो भी चला गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी NH-60 के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर चलने के बाद में हम लोगों को वापस गोटी सिरडी रोड में लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, और गोटी से फिर से लेफ्ट लेके नासिक हाईवे में मुंबई तक हम लोग जाएंगे इगतपुरी होके। तो बने रहिए हमारे साथ में। और ये हाईवे जो है बहुत ही अच्छा हाईवे है, एकदम स्मूथ है। इसमें ऑलरेडी हम लोग लास्ट टाइम जो आए थे इसी रोड से ही गए थे। अभी टाइम हो रहा है 4:20 और हमारा अराइवल टाइम वापस बढ़ गया 9:46, क्योंकि जब जितना शाम होता जाएगा उतना अराइवल टाइम आगे जाता ही जाएगा, क्योंकि मुंबई के अंदर उसी हिसाब से ट्रैफिक बढ़ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आगे ब्रिज दिखाई दे रही है, ये असल में मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग है, जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन इसका किया गया था। तो ये हाईवे जो है कुल 700 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, और ये कम्प्लीटली एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है, जिसका शिरडी से नागपुर तक का जो हिस्सा है अभी पब्लिक के लिए इनाग्रेशन हो चुका है, और मुंबई से शिरडी तक का इनाग्रेशन अभी होना आगे बाकी है, क्योंकि उसका काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। और शिरडी से मुंबई तक का जो स्ट्रेच है उसमें 2 टनल्स भी आएंगे, क्योंकि ये एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है, तो इसका हर एग्जिट और हर एंट्री में एक्सेस गेट्स रहेंगे। आगे का जो एंट्री आपको दिख रहा है, ये यहाँ से अगर हाईवे के ऊपर आप जाते हैं तो ये आपको नागपुर की तरफ ले जाएगी। सामने इसकी एक्सेस गेट है, गाड़ियों की एंट्री यहीं से हो जाएगी,
और जिस किसी भी एग्जिट गेट से गाड़ी बाहर निकलेगी वहाँ से उसका फाइनल टोल लिया जाएगा। किलोमीटर चलने के बाद में हमें मुंबई नासिक हाईवे मिल जाएगी, वहाँ से हम लेफ्ट जाके फिर मुंबई की तरफ जाएंगे। अभी मामाली तो सो गई है, तो वो उठने के बाद में कहीं पे रास्ते में रोक के हमारे पास में जो भी कुछ है स्नैक्स वगैरह वो कर लेंगे हम लोग। ये देखिए लोग शिरडी तक का पदयात्रा में जा रहे हैं। यहाँ पे इस रोड पे तो आपको ये नज़ारा बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग शिरडी के लिए पदयात्रा में निकलते हैं मुंबई से, नासिक से और आसपास के इलाकों से। और कहीं कहीं पे तो आपको पालकी के, यहाँ पे देखिए ये पालकी यात्रा है, तो बाबा को पालकी में लेके जा रहे हैं ये लोग शिरडी तक। रोड की कंडीशन अभी तक तो ठीक है, आगे भी नॉर्मल ही है, मतलब इतना खराब नहीं है ये रोड, तो आराम से जा सकते हैं आप अच्छा स्पीड मेंटेन करके। लेकिन इस रोड में ऐसे बीच बीच में आपको छोटे छोटे गांव और कस्बे मिल ही जाएंगे। घाट छोटा सा है, वो घाट स्टार्ट हो गया है, हम घाट अभी जस्ट चढ़ना चालू किया और जय घाट के पास में ही साईं बाबा का पालकी हमें मिल गया। ओम साईं राम। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी चलते चलते एक छोटा सा कस्बा बोल लीजिए या गांव बोल लीजिए वहां पे आके पहुंचे, और यहां पे कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स का मार्केट लगा हुआ था, तो हमारी मैडम गाड़ी से उतर गई सब्जी खरीदने के लिए। तो हम जब भी शिरडी आते हैं एक्चुअली सब्जी लेके जाते हैं यहां से। इस जगह का नाम क्या है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो मैं देखूंगा आगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ सारे बैनर्स बहुत सारे हैं लेकिन कहीं पे भी गांव का नाम नहीं लिखा है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग गोटी से मुंबई की तरफ लेफ्ट मुड़ चुके हैं, और आगे टोल गेट आएगा और टोल गेट के बाद में इगतपुरी। तो हम थोड़ा आगे कहीं पे रुक के चाय पीने का हमारा प्लानिंग है, तो टोल गेट क्रॉस करने के बाद में कहीं पे कोई ढाबा वगैरह में रुकाएंगे और थोड़ा थोड़ा चाय पियेंगे, फिर मुंबई की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी तक का हमारा जो जर्नी काफी अच्छा रहा, एकदम आराम से हम लोग आ रहे थे, कोई जल्दबाजी नहीं थी, रास्ता ठीक था, बीच में थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक भी मिल रहा था, लेकिन दिस इज ए पार्ट ऑफ द जर्नी, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, तो वो तो उतना तो झेलना ही पड़ेगा। और यहाँ पे टोल गेट जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक ये ट्रैफिक ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि टोल गेट है ना, सब यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे हिल टॉप करके एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं, हमारी चाय बन रही है। जब तक चाय बन रही है हम बाहर खड़े होके मौसम का आनंद ले रहे हैं। मौसम काफ़ी सुहाना है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, हल्की हल्की ठंडी है, एकदम मिनिमम जिसे बोल सकते हैं। तो चलिए फिर हम चाय पी लेते हैं, उसके बाद में आगे का रास्ता आपको सुनाते सुनाते मुंबई जाएंगे।
चाय अच्छी है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन इंतज़ार का फल मीठा होता है बोलते हैं ना, तो हमें चाय अच्छी मिल गई। तो फ्रेंड्स, एक यहाँ पे कबाना करके रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं डिनर करने के लिए। अच्छा रेस्टोरेंट है, एक बार हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी डिनर किए थे लास्ट टाइम जब आए थे ना, तो प्रिपेरेशन अच्छा है इसका। तो चलिए हम लोग डिनर करते हैं, डिनर के बाद में आगे क्या रास्ता आपको बताते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर लिया है। हम लोगों ने ऑर्डर किया है एक चिकन तंदूरी और एक पनीर पहाड़ी टिक्का। ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं, भूख काफ़ी लगी है और जब खाना आएगा तो हम सब टूट पड़ेंगे। तो ये है मामाली और इसकी मम्मी, दोनों बैठे हैं खाने के इंतज़ार में। और ये होटल कुछ ऐसा है, देख लीजिए। खाने का भी इंतजाम है और यहाँ पे पानी है, पानी के अंदर टेबल लगे हुए हैं दोनों साइड में। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना आ चुका है और हम लोग टूट पड़े हैं खाने के ऊपर। पहले पनीर चालू है, उसके बाद में चिकन पे आएंगे। बाजीवा सामने रे। सीधा करो।
फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे घोड़बंदर रोड में हेवी ट्रैफिक में फंस गए हैं। काफ़ी देर से हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। गाड़ी स्लोली 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 जा रही है। यहाँ पे कंजेशन प्लस 12 मिनट्स का बता रहा है और हमारा जो अराइवल टाइम है वो 12:28 हो गया अभी। तो मेरे हिसाब से तो 1 बजे तक हम लोग घर पे पहुँचेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में। हम घर में पहुँचने के बाद में बताएंगे क्या टाइम में पहुँचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। ये मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान बच्चा छुपा हुआ है जो दिन भर मस्ती करता रहता है, लेकिन शिरडी से मुंबई तक का ट्रिप के थकावट के वजह से ये शैतान चेहरा मासूम बन गया है। जोक्स अपार्ट फ्रेंड, अभी रात के बज रहे हैं 12:40 और हम घर में आके एंट्री ले चुके हैं। शिरडी से मुंबई तक की दूरी ऐसे बोलेंगे तो हम लोगों ने 10 घंटे में पूरे किए। आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें कम से कम 3-3.5 घंटे का ब्रेक था। हम लोगों ने एक जगह में वो ड्रमस्टिक्स का जो फूल होता है उसको तोड़ने के लिए रुके थे, फिर सब्जी के लिए रुके, फिर चाय के लिए हम लोगों ने 1-2 जगह में रुका, और डिनर का ब्रेक तो लंबा ही था। तो एनीवे पूरा शिरडी का ट्रिप बहुत ही एंजॉयफुल रहा। सब लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, खास करके मामाली ने। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। शुभरात्रि एंड आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय। मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ में अगली वीडियो में, बहुत जल्दी मिलेंगे। तो बाय फ्रेंड्स, ओम साई राम।